देख रहे हैं गुड लक टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जिसे ग्रहों में सेनापति कहा जाता है, जो व्यक्ति के साहस, सुरक्षा और पराक्रम पर असर डालता है। हम बात कर रहे हैं मंगल की। आज के शो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी कुंडली के मंगल को मजबूत करने के कुछ सरल और अचूक उपाय, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और उसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में समस्या हो रही है, तो रोज सवेरे कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए। भगवान शिव के जो पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय, जिनको मुरुगन कहते हैं, देव सेनापति कहते हैं, उनकी पूजा अगर आप सुबह के समय करते हैं तो कुंडली में मंगल दोष का जो प्रभाव है वो बहुत हद तक समाप्त तो हो जाता है। तो मात्र इस प्रयोग से आप भी अपना लक बढ़ा सकते हैं, अपना गुड लक बना सकते हैं। फिलहाल बात अब पंचांग की कर लेते हैं, देखते हैं 26 जनवरी का पंचांग। दिनांक 26 जनवरी 2022, दिन बुधवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, सुबह के 10:07 तक चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है, साथ ही पंचांग भी यहाँ पर आपको बता दिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। मंगल के क्या लाभ होते हैं और इसे मजबूत करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल है। ग्रहों को हम एक राज्य की तरह, स्टेट की तरह समझते हैं। सूर्य को राजा मानते हैं, चंद्रमा को दूसरा राजा या रानी मानते हैं, और मंगल को ग्रहों में सेनापति कहते हैं। डिफेंस सिस्टम का, सुरक्षा का सबसे बड़ा प्लेनेट मंगल है। मंगल जो है ये व्यक्ति के साहस पर, व्यक्ति की सुरक्षा पर और व्यक्ति के पराक्रम पर असर डालता है। मंगल से व्यक्ति को जीवन में पद और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति साहसी नहीं होता और जीवन की चुनौतियों का सामना भी नहीं कर पाता। और आप देखेंगे कि जिनका मंगल कमजोर होगा, ऐसे लोगों को विवादों, मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। तो मंगल जो है वो मुख्यतः आपकी सुरक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, आपको साहसी बनाता है। अगर आप मंगल को मजबूत नहीं करेंगे तो आप रोगों से, बीमारियों से, जीवन की मुश्किलों से सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मंगल ग्रह के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी है, क्यों मजबूत करना जरूरी हो जाता है मंगल को, ये आपने जाना। क्या उपाय हैं इसके, आपको आगे बताएंगे कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, इस समय आपके लिए यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सावधानी से जाइएगा। धन का लाभ आपको हो सकता है और सेहत की स्थितियां आपकी पहले की तुलना में बेहतर होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, कारोबार में आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। मिथुन राशि, करियर से जुड़ी हुई तमाम बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष का थोड़ा ध्यान रखिएगा, संतान के साथ तालमेल को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का कैसा बीतने वाला है दिन, ये तो आपने जान लिया। फिलहाल बात मंगल की कर लेते हैं और किस तरीके से मंगल को मजबूत करना है अपने जीवन में, अपनी कुंडली में, ये हम आज आपको बताएंगे। तो खान पान के जरिए किस तरीके से आप अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। आप जो भी आहार लेते हैं, जो भी आपके शरीर के अंदर जाता है, वो आपके चित्त को, आपके मन को, आपके ग्रहों को गहराई से प्रभावित करता है। तो क्या खान पान रखें कि मंगल मजबूत हो जाए? देखिए, खाने में थोड़े से तीखेपन का प्रयोग करें। मैं नहीं कहूंगा कि तीखा ही केवल खाइए, लेकिन थोड़े से तीखेपन का प्रयोग करें भोजन में। भोजन में जौ का या मिश्रित अनाज का प्रयोग करें, मिक्स अनाज की रोटी खाएं। सुबह शाम भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं और तांबे के पात्र से जल ग्रहण करें। तांबे के गिलास या तांबे के लोटे या जग से अगर आप पानी पिएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होगा, और कुर्सी मेज पर बैठकर भोजन ग्रहण करने से बचें। जमीन पर पालथी मारकर सुखासन में बैठ करके अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे, जमीन के जितने निकट रहेंगे मंगल उतना ही मजबूत होगा। तो खान पान के जरिए किस तरीके से आप अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल देख लेते हैं। कर्क राशि, बेवजह झगड़ा मत करिए, विवाद मत करिए, व्यर्थ के विवादों से बचिए। और अगर कुछ लिख पढ़ के दे रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई मेल कर रहे हैं, तो लिखा पढ़ी में थोड़ी सावधानी रखिएगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना कर लें, एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़ लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। सिंह राशि, करियर के मामले में सफलता मिलती दिख रही है आपको। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपके कम होंगी। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे और बढ़िया से धन की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। किस तरीके से कुछ उपाय करके आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, ये भी हम बताते हैं। फिलहाल हम मंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल मंगल को लेकर हम बात कर ही रहे हैं, किस तरीके से मजबूत किया जाए खाने के जरिए, ये आपने जान लिया। लेकिन अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार के जरिए भी आप अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं। तो कैसे हैं ये उपाय, कौन से हैं, किस तरीके से व्यवहार में बदलाव करके आप अपने मंगल को मजबूत करें, पंडित जी आपको बताएंगे। बिल्कुल, अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करें, अपने बिहेवियर को कैसा रखें कि मंगल मजबूत हो जाए। देखिए, अपने परिवार में संबंधों को ठीक रखिए। रिश्तों के पीछे मंगल की बड़ी गहरी भूमिका होती है। भाई बहनों के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखें।
भाई बहन के साथ संबंध अच्छे होंगे, मंगल मजबूत होगा ही। और अपनी बात, कोई भी बात आपको रखनी है, छोटी सी बात है, बड़ी बात है, अपनी बात को मजबूती से रखने का प्रयास करें। बेवजह चिंता और तनाव ना पालें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है सामने तो आप भागिए नहीं, उनका सामना करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यवहार के बारे में ये बात समझिए, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्रोधी हो जाइए, अहंकारी हो जाइए, लेकिन अपनी चीजों को बोल्डली, मजबूती के साथ आप सामने रखेंगे, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। तो व्यवहार में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके आप भी अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब राशियों के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा बीतने वाला है दिन, आइए देखते हैं। तुला राशि, करियर में सफलता के समय की शुरुआत हो चुकी है और करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। आपको आपके परिजनों से, अपने लोगों से लाभ होगा और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में किसी तरह का काम मत करिएगा। नौकरी में अभी बदलाव से आपको बचना चाहिए, और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। धनु राशि, काफी व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए आपके करियर में, आपकी नौकरी में इंप्रूवमेंट होगा, बेहतरी होगी, और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ दिखाई देगा। तो मंगल को मजबूत करने के उपाय आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि अब से कुछ ही देर में आपके सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही बताएंगे आपको एक महा उपाय भी। लेकिन मंगल को मजबूत करने के और भी कुछ उपाय हैं, तो चलिए अब उन पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अपने व्यवहार के जरिए किस तरीके से आप अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं, खाने के जरिए किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं अपने मंगल को मजबूत करने के लिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, मंगल को छोटे छोटे किन उपायों से मजबूत करें। एक तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करिए, मंगल और सूर्य बहुत निकटवर्ती प्रभाव पैदा करते हैं। जीवन में तांबे का प्रयोग जरूर करिए, तांबे के गिलास से पानी पीजिए, तांबे का छल्ला पहन लीजिए, तांबे का कड़ा पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ में हमेशा रखिए, या तो जमीन पर सोना शुरू कर दीजिए, दरी बिछाकर, बिस्तर बिछाकर, या जो लो फ्लोर के पलंग आते हैं जो जमीन से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, लो फ्लोर के पलंग पर भी अगर आप सोएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो आज हमने आपको मंगल को मजबूत करने के उपाय बताए हैं, उम्मीद है कि आप इन उपायों को आजमाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपके सवालों के जवाब भी दे देते हैं, देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, श्याम कृष्ण जी ने हमें सवाल लिखा है, मथुरा से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1988। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है मथुरा। श्याम जी लिख रहे हैं कि इनकी शादी, पहली शादी जो इनकी हुई थी वो टूट चुकी है, और अब ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो दूसरा विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, और दूसरा विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्याम, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा,
और ये दूसरा विवाह इसी वर्ष के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है 2022 के अंत में। नवम भाव से कनेक्शन अच्छा बनता है और इसी वजह से मैं कहूंगा कि दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब आपका दूसरा विवाह अच्छा हो, वैवाहिक जीवन आपका सुखमय चल सके, इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लेंगे। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए, अगर आपकी भी कोई समस्याएं हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पे आप अपने सवाल लिख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी तीन राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं, बिल्कुल उचित समय है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है और इस समय उपहार मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में, मन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। इस समय किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, शांति रखिए और करियर में बेवजह के तनाव से बचने का प्रयास करिए। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तो आपकी ये मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में आपने जान लिया है, किस तरीके से आपका भाग्य साथ दे रहा है ये भी आपने देखा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 26 जनवरी को, तो कैसा रहेगा उनका ये साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 26 जनवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव के बाद आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहने वाली है। विवाह के योग और संतान प्राप्ति के योग भी इस साल बन रहे हैं। केवल आपको अपने स्वास्थ्य पर इस साल में ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब उस वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार रहता है। देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी इसे लाभ उठा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, आपका ही छोटा बच्चा है, उसे बार बार चोट लगती है, कभी पलंग से गिरता है, कभी सर में चोट लगती है, कभी घुटने में लगती है। ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो क्या करें, एक तांबे का छेद वाला सिक्का ले आइए, इसको लाल धागे में डालिए, उसके छेद में से लाल धागा डाल दीजिए और इसको मंगलवार को सवेरे बच्चे के गले में पहना दीजिए। बच्चे को काले रंग के वस्त्र कम से कम पहनाइए और जिन बच्चों को चोट ज्यादा लगती हो ऐसे बच्चे के लिए बच्चे की माता नित्य प्रातः ओम नमः शिवाय का जप करें, आपका बच्चा सुरक्षित बना रहेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों को आपने महा उपाय बताया और साथ ही साथ मंगल को किस तरीके से मजबूत करना है ये बताने के लिए भी आपका शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक ट्री में आज फिलहाल इतना ही, हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।